जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु पर 24 में आरण्य सवाल। सभी साथियों को दिल से प्रणाम करता हूं। आज की जो मुख्य खबर है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। 5 मार्च 2022 से परीक्षाएं होगी, जिसके लिए 16 शहरों में परीक्षा केंद्र घोषित किए गए हैं, जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। सबसे बड़ी बात है, बिंद क्षेत्र के लिए केवल 2 ही शहर घोषित किए गए हैं, सीधी और सतना। जैसा कि पूर्व में भी एमपी पुलिस की परीक्षाएं हुई थी, जिसमें से बिंद के लिए केवल सीधी और सतना में ही परीक्षा केंद्र घोषित किए गए थे। अब इसमें से जो सबसे बड़ी बात है, 2 पालियों में परीक्षाओं का आयोजन होगा, जिसमें 11 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे और अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना जरूरी होगा। अब साथियों, सबसे बड़ी बात जो है, इतना बड़ा रीवा शहर, अगर पूर्ववर्ती की बातें करें तो बिंद प्रदेश हुआ करता था। बिंद प्रदेश में रीवा जिला एक तरह से राजधानी हुआ करती थी, और रीवा का इतना बड़ा रियासत, और इतना बड़ा रीवा होने के बाद भी यहाँ पर परीक्षाएं और परीक्षा केंद्र क्यों नहीं घोषित की जाती है? कहीं न कहीं से शासन और प्रशासन के लिए ये कहीं न कहीं से सौतेला व्यवहार देखने को मिल रहा है। ये पूरा भाजपा में क्षेत्र है, और 100% चाहे सांसद की बात हो चाहे विधायक की बात हो, भाजपा के विधायक और सांसद हैं। इसके बाद भी रीवा के साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार, और जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? ये कहीं ना कहीं से, अगर मैं बात करूँ, सतना और सीधी जाने के लिए लगभग 100 किलोमीटर का आंकड़ा इनको पार करना पड़ता है, और 100 किलोमीटर के आंकड़े में रीवा एक माध्यम हो सकता है, लेकिन रीवा को कट क्यों किया गया है और रीवा को परीक्षा केंद्र घोषित क्यों नहीं किया गया है? ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मैं सभी परीक्षार्थियों से, सभी युवा साथियों से और सभी समाज सेवियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, और सभी छोटी बड़ी मीडिया से निवेदन करना चाहता हूं, बिंद के लिए आवाज बने और बिंद में रीवा को परीक्षा सेंटर घोषित करने का प्रयास करें, और इसके लिए आवाज उठाएं, मुद्दा उठाएं, जिससे इन प्रशासन और शासन तक भी आवाज पहुंचाई जा सके। अब यहां पर मैं एक बहुत बड़ा जो सवाल है, सतना जिला को परीक्षा केंद्र घोषित किया गया, सीधी को परीक्षा केंद्र घोषित किया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से इतना बड़े संभाग रीवा को अगर परीक्षा केंद्र घोषित नहीं किया जाता है, ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा एक सवाल उठता है यहाँ पर। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना शेयर करें। मैं रीवा प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, रीवा के लिए भी परीक्षा केंद्र घोषित करवाने में अपनी अहम भूमिका अदा करवाएं, जिससे आने वाले समय में परीक्षार्थियों के लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े, ज़्यादा टेंशन और तनाव मुक्त होकर के परीक्षा केंद्र में जा करके अपने पास में परीक्षा दें और रीवा का भी नाम रोशन करें। इसी साथ आप देख रहे थे बिंदु पर 24 में आरण जायसवाल। जय हिंद।